अच्छा जी, तो बस यही इस लोकल सर्च एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है कि ये पाथ को याद नहीं रखता। जब ये पाथ को याद नहीं रखता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से गुजर गया उस रास्ते को ये भूलता जाएगा। इसका मतलब है इसकी मेमोरी में पूरी चीजें स्टोर नहीं होंगी, सिर्फ ये जिस रास्ते पे खड़ा हुआ होगा जिस नोट पे तो उसको याद रखेगा। तो पता है ये कैसे काम करता है? ये काम करता है ऐसे, जस्ट ऑपरेट ऑन अ सिंगल करंट स्टेट। बिल्कुल ऐसा ही है। फायदे तो इसके बाद में बताऊंगा, डिसएडवांटेज भी बाद में बताऊंगा, पहले आप एल्गोरिथम समझ लें फिर हम बात करेंगे। तो बस ये करंट स्टेट पे काम करता है रादर देन मल्टीपल पाथ। ठीक है, मल्टीपल पाथ को ये याद नहीं रखता, सिर्फ करंट स्टेट पे काम कर रहा होता है। जिस स्टेट पे ये खड़ा हुआ है उसके नेबर्स में से चेक करता है वैल्यूज को, नेबर्स में से चेक करता है वैल्यूज को। नेबर्स का मतलब क्या होता है? उसके सक्सेसर या उसके चाइल्ड। ठीक है, ये कहलाते हैं लोकल सर्च एल्गोरिथम। तो बस होता क्या है कि जो पाथ फॉलो कर रहे होते हैं वो रिटेन नहीं रहता। एडवांटेजेस क्या है इसके और डिसएडवांटेजेस क्या है अभी बताता हूँ आपको, लेकिन पहले आप डिटेल में सुनिएगा। सबसे पहला एडवांटेज तो जाहिर सी बात है, हमें सुन के यही समझ में आ रहा है कि ये बहुत कम मेमोरी यूज करता है। ठीक है, जब ये किसी पूरे पाथ को याद ही नहीं रखेगा। बेटा मुझे सिर्फ ना समझाने दें तो फिर मैं इश्यूज आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अभी मैंने एल्गोरिथम नहीं समझाया। यूज लिटिल मेमोरी या कॉन्स्टेंट अमाउंट। ठीक है, बहुत कम मेमोरी यूज कर रहा होता है फॉर करंट स्टेट एंड सम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है हर एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ करंट स्टेट पे काम कर रहा होता है। करंट स्टेट के चाइल्ड को ओपन करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिएगा प्लीज। आप सोचें कि एक ब्लाइंड, हमारे एल्गोरिथम का नाम है बेसिकली हिल क्लाइंबिंग सर्च। क्या नाम है? हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग जो नाम से पता चल रहा है वैसा ही है। अब आप थोड़ा सा स्टोरी समझने की कोशिश कीजिएगा, एक ब्लाइंड पर्सन कैसे एक हिल पे चढ़ेगा? अगर एक ब्लाइंड पर्सन को मैं कहूं कि एक हिल पे चढ़ जाओ तो वो हिल पे कैसे चढ़ सकता है? अगर एक ब्लाइंड पर्सन को बोलूं कि वो हिल पे चढ़ जाए तो वो हिल पे कैसे चढ़ सकता है? या ब्लाइंड पर्सन को क्या दिख रहा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जो ब्लाइंड पर्सन होता है बेसिकली उसको कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो अपने सराउंडिंग को टच करके फील कर सकता है कि मेरे सराउंडिंग में क्या है, जितना उसकी रेंज है। अगर आप उसके हाथ में स्टिक की बात कर ले, या स्टिक नहीं है, स्टिक नहीं है उसके हाथ में, सिर्फ वो अपने हाथों से टच कर रहा है, तो वो अपने सराउंडिंग में टच कर सकता है। ऐसा है ना, उसको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे सराउंडिंग में क्या है। सराउंडिंग को तो पता कर सकता है ना वो हिल क्लाइंबिंग, सॉरी ब्लाइंड पर्सन। तो आप ये सोचिए कि सराउंडिंग जो है ना वो किसी भी स्टेट के चाइल्ड है, मतलब ब्लाइंड पर्सन किसी भी स्टेट पे खड़ा हुआ है, जिस स्टेट पे वो खड़ा हुआ है उसके चाइल्ड को वो कैसे देख सकता है हाथ से? तो इसका मतलब है जो करंट स्टेट होती है उसके चाइल्ड को आप देख सकते हैं, उसके आगे नहीं देख सकते कहीं। इज इट क्लियर? अब फर्ज कीजिए ब्लाइंड पर्सन ने यहां से चढ़ना शुरू किया, हमने ये हिल बनाई हुई है। इस हिल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा उसको पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है। मतलब क्या, ये देखें वो यहाँ खड़ा हुआ है, उसको बहुत सारी वैल्यूज मिली, उन वैल्यूज में से उसने सिर्फ सबसे बेहतर चूज कर ली, क्योंकि उसका टारगेट क्या है कि वो हिल पे चढ़ना चाह रहा है। तो वो यहाँ खड़ा हुआ था, उसको यहाँ भी वैल्यू मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, सब जगह मिली, लेकिन उसने क्या कहा, भाई मुझे तो सबसे बेहतर ये मिल रही है। तो उसने किसे चूज कर लिया? उसने चूज कर लिया, मतलब वो एक स्टेप आगे आ गया ऐसे करके, सही है। फिर वो यहाँ खड़ा हुआ था, उसको उसने जब दोबारा अपने सराउंडिंग में देखा तो उसको बहुत सारी वैल्यूज मिली, लेकिन उसमें से उसने बेहतर ये चूज कर ली, वो आगे बढ़ गया। इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ पहुंच गया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, वो ब्लाइंड है, ब्लाइंड पर्सन है। ब्लाइंड पर्सन जब इस जगह पे पहुंचेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके दिमाग में ये आएगा कि यार मैं सराउंडिंग देखता हूँ। जैसे ही वो सराउंडिंग देखेगा, उसके सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब अपने चाइल्ड में सारी वैल्यूज उससे क्या होंगी, उससे क्या होंगी, कम होंगी। जितनी भी वैल्यूज उसके सराउंडिंग में वो क्या होंगी, उससे कम होंगी, नीचे होंगी। बिल्कुल अगर हिल के रेफरेंस से बात करें तो उसके नीचे होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी बेटा, नीचे होंगी। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की बात ना करें, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर लें, मतलब बेस्ट होंगी या लेस्ट होंगी ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो जितनी भी उसकी सराउंडिंग की वैल्यूज है वो क्या होंगी, उसके लेस होंगी। वो क्या समझेगा, ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन क्या समझेगा? ब्लाइंड पर्सन ये समझेगा कि मैं हिल के टॉप पे आ चुका हूँ। बिल्कुल, ब्लाइंड पर्सन क्या समझेगा कि मैं मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। बिल्कुल, ब्लाइंड पर्सन ये समझ रहा होगा कि मैं हिल के टॉप पे आ चुका हूँ,
ऑल दो कि हिल का टॉप ये नहीं है, हिल का टॉप क्या है ये, ऑल दो कि हिल का टॉप ये नहीं है, हिल का टॉप क्या है ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब ब्लाइंड पर्सन किसी टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये टॉप है, उसके सराउंडिंग की जितनी भी वैल्यू होंगी वो उससे कम होंगी, तो वो क्या अज्यूम करेगा, वो ये अज्यूम करेगा कि भाई मैं हिल के टॉप पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन हिल का टॉप हो सकता है कहीं और मौजूद हो, तो ये कंडीशन कहलाती है लोकल मैक्सिमा। क्या कंडीशन कहलाती है ये, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके सराउंडिंग की सारी वैल्यूज उस पॉइंट से कम हो, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी स्टेट जो उसके सारे सक्सेसर उससे कम हो, वो क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमम। अब वो ये समझेगा कि मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ, क्लियर हो गई बात। तो ये जो हिल क्लाइंबिंग है, हिल क्लाइंबिंग के अंदर इश्यूज है, लेकिन पहले हिल क्लाइंबिंग कैसे काम करता है वो देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हिल क्लाइंबिंग कैसे काम करता है, बहुत आसान है, सिंपल, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये देखें, ये वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है जो आपको क्विज में दी थी। ये देखें, ये आपको इनिशियल स्टेट दी हुई है, ये आपको गोल स्टेट दी हुई है, सही है। चूंकि स्लाइड थे तो उन्होंने कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाई हुई, लेकिन वी बिलीव कि हमें ये काम आता है। तो इसमें और इसमें कितना फर्क है देख लीजिएगा, इसमें और इसमें कितना फर्क है, स्टार्ट और गोल में 3 अपनी जगह पे नहीं है, 4 अपनी जगह पे नहीं है, 5 अपनी जगह पे नहीं है, 6 अपनी जगह पे नहीं है, सॉरी 6 अपनी जगह पर है, 7 और 8 अपनी जगह पे नहीं है। तो इसमें और इसमें कितना फर्क है, 5 का, देख रहे हैं ये क्लियर हो गई बात, ये जो एच लिखा हुआ है 5, ये क्लियर हो गई बात, इसमें और इसमें कितना फर्क है 5 का, बाकी सबको क्लियर हो गई ये बात। अब हमने इसके चाइल्ड जनरेट किए, जैसा आपने क्विज में किया था, आपने क्विज में ए स्टार से किया था, हमने ए स्टार से नहीं कर रहे, हमने इसके चाइल्ड जनरेट किए। जब हमने 7 को इधर मूव किया, जब हमने 7 को इधर मूव किया, जब हमने 7 को इधर मूव किया, तो इसका ह्यूरिस्टिक बन गया 4। जब हमने 5 को इधर मूव किया तो इसका ह्यूरिस्टिक 5 बन गया, जब हमने 6 को इधर मूव किया तो इसका ह्यूरिस्टिक क्या बन गया, 6 बन गया, सही है। 5, 4 और 6 में से कौन सा बेहतर है, 4, हमने फर्दर उसको चूज कर लिया। तो हिल क्लाइंबिंग क्या कर रहा है, हिल क्लाइंबिंग जिस स्टेट पे खड़ा हुआ है उसके चाइल्ड को ओपन कर रहा है और उन चाइल्ड में से बेहतर को चूज करके आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा बेटा, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, वो बाकियों को डिस्कार्ड कर देगा, उसको याद ही नहीं रखेगा, क्लियर हो गई बात। तो हमने स्क्रीन पे सिर्फ वो बनाया हुआ जिसको वो चूज कर रहा है, बाकियों को हमने कंप्लीट नहीं डिजाइन किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अच्छा जी वापस आए। अब यहां पर देखें, इसके दो चाइल्ड बन रहे हैं, एक में 8 नीचे आ सकता है, एक में 7 नीचे आ सकता है, इन दोनों चाइल्ड में एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 5 है, तो हमने 3 को चूज कर लिया। फिर यहां पर आए तो एक जो तीन चाइल्ड बन रहे हैं, एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 4 है, तो 2 वाला चूज कर लिया। फिर यहां पर आए तो हमने कंप्लीट नहीं किया हुआ, जितने भी चाहिए, यहाँ 4 चाइल्ड बनेंगे, देखें 1, 2, 3, 4, हमने वाला चूज किया, जो इस तरीके से हम फर्दर आंसर पे चलेगा। तो हिल क्लाइंबिंग यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, जिस स्टेट पे खड़ा हुआ है उसके चाइल्ड को ओपन करता है, जिस स्टेट पे खड़ा हुआ उसके चाइल्ड को ओपन करता है, और चाइल्ड ओपन करने के बाद क्या करता है, उन चाइल्ड में से बेस्ट चूज करके आगे बढ़ जाता है, सही है। अब मैं इसको एक चीज और दिखा दूं आपको, ताकि ये देखिएगा कि फर्ज करें यहां लिखा हुआ है 5 और इसके जैसे हमने चाइल्ड ओपन किया, फर्ज करें हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू अच्छी है, कौन सी वैल्यू अच्छी है, मैक्सिमम, तो यहां पर हमें लिखा हुआ है 4, यहां पर लिखा हुआ है 10, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7। तो हिल क्लाइंबिंग कैसे काम करता है, हिल क्लाइंबिंग काम करता है, हिल क्लाइंबिंग ने कहा कि भाई जिस स्टेट पे खड़े हो उसके चाइल्ड ओपन करो और उन चाइल्ड में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू उठा लो, इन चाइल्ड में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 10। अब अपनी स्टेट को, अपनी करंट स्टेट की वैल्यू को इस स्टेट से कंपेयर करो, अगर ये कंडीशन हो रही है कि ये करंट स्टेट इज लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम चाइल्ड, तो आप अपनी करंट स्टेट को अपडेट कर दो, अब आप यहां पहुंच जाओ, अब इसके चाइल्ड ओपन करो, अब इसके 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं, क्लियर। फिर आपने यहां पर क्या किया, 7 फर्ज कर लें, यहां पर 7, यहां पर 8
और यहाँ पर फर्ज कर लें 3 आ गया, फर्ज कर लें, तो बस यहीं पर ये एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, ये समझेगा कि मैं लोकल मैक्सिमम पे हूँ। क्लियर हो गई बात, ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया, ये समझेगा कि मैं लोकल मैक्सिमम पे हूँ। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात नहीं कर रहा, दो केसेस हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको बताया गया कि भाई आपका आंसर है 20। अब आपका एल्गोरिथम यहां रुक जाएगा, कह देगा मुझे आंसर नहीं मिला। बताता हूं, लोकल मैक्सिमा ये होता है कि जिसके बाद जिसके चाइल्ड में उससे बेस्ट वैल्यू मौजूद ना हो, जिसके चाइल्ड में उससे बेस्ट वैल्यू मौजूद ना हो। 10 के चाइल्ड में कोई भी वैल्यू 10 से अच्छी नहीं है, 10 के चाइल्ड में कोई भी वैल्यू 10 से अच्छी नहीं है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ये समझेगा कि मैं ही बेहतर हूं। मैं आपकी क्लास में गया एआई की और मैंने क्लास में पूछा भाई कि मुझे जो है हाईएस्ट जीपीए का स्टूडेंट चाहिए, और मैं पता चला भाई वहां पर 3.5 वाला बच्चा बैठा हुआ है, मैं कह दूंगा ये आंसर है कीट की सबसे हाईएस्ट जीपीए 3.5 है, ये लोकल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्लास रूम की बात की है, मैं क्लास रूम से बाहर ही नहीं निकला, मैंने ना यूनिवर्सिटी में पूछा ना किसी और कैंपस में पूछा, सर मैंने कह दिया कीट का स्टूडेंट जो है उसकी जीपीए 3.5 होती है हाईएस्ट, ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सराउंडिंग में बात की थी, उसके सराउंडिंग के अलावा मैंने पूरे कैंपस में बात नहीं की। इज इट क्लियर? अब ये देखिएगा, दो केसेस होते हैं बेटा। एक केस क्या है कि आपको आंसर पता हो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, और एक केस ये है कि आपको आंसर ना पता हो। सही है? तो पहले हम वो केस ले लेते हैं कि जिसमें आपको आंसर पता है। अब आपको आंसर पता है 20 आना चाहिए, लेकिन आपको 20 नहीं मिला, तो एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, बाहर आके कहेगा कि मुझे आंसर नहीं मिला। क्लियर हो गई बात? एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, कहेगा मुझे बाहर आके आंसर नहीं मिला। एक केस ऐसा है कि जिसमें आपको आंसर नहीं पता, एल्गोरिथम बाहर आएगा, कह देगा भाई मुझे आंसर 10 लग रहा है। क्लियर हो गई बात? एल्गोरिथम बाहर आएगा और कहेगा मुझे आंसर क्या लग रहा है, 10 लग रहा है। हिल क्लाइंबिंग है ये। सही है? अब अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इस एल्गोरिथम को समझें तो ये बहुत आसान एल्गोरिथम है। ये देखिएगा प्लीज, ये देखिएगा, अगर आप इस एल्गोरिथम को समझें तो ये बहुत आसान एल्गोरिथम है, लेकिन जो मैं लोकल मैक्सिमम वाली बात बता रहा हूँ अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। ये देखें, इस डायग्राम में ये 2-3 इश्यूज लिखे हुए हैं। एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपके पास लोकल मैक्सिमा की? लोकल मैक्सिमा की प्रॉब्लम क्या कहती है? लोकल मैक्सिमा की प्रॉब्लम बेटा ये कहती है आपको कि जो आप का आंसर कुछ और है, लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो बेहतर लग रही है आपको, इसलिए आप उसको लोकल मैक्सिमा कह रहे हैं। क्योंकि आप ब्लाइंड हैं और आप हिल पे क्लाइम कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि भाई यही आंसर क्या है, सबसे बेहतर है। सही है? एक प्रॉब्लम कहलाती है फ्लैट या शोल्डर। मतलब क्या है? आप एक नोट पे खड़े हुए, उसकी वैल्यू 15 है, आपने उसके चाइल्ड जनरेट किए, उन चाइल्ड में भी सबसे बेहतर वैल्यू 15 है, तो आपने 15 से 15 पे आ गए, फिर उसके मजीद चाइल्ड जनरेट किए तो उसमें भी सबसे बेहतर वैल्यू 15 है, तो आप कॉन्स्टेंट चले जा रहे हैं 15 पे। इज इट क्लियर? ये देखें, आप कॉन्स्टेंट चले जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट जाए जा रहे हैं आप। जब आप कॉन्स्टेंट जाए जा रहे हैं तो आप एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशन के बाद क्या सोचेंगे कि यार 15 ही मेरा आंसर लग रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको हर वक्त जब भी चाइल्ड जनरेट कर रहे हैं, आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? वही मिल रही है जो पिछले चाइल्ड में बेस्ट थी। तो अब आप कॉन्स्टेंट हो गए, एक सर्टेन आइटरेशन के बाद 4, 5, 10 आइटरेशन के बाद आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे सर मेरा आंसर तो 15 ही लग रहा है मुझे। ये कहलाती है शोल्डर या फ्लैट प्रॉब्लम। सही है? तो इसमें दो प्रॉब्लम होती है, एक होती है लोकल मैक्सिमम और एक क्या होती है शोल्डर। ठीक है? दो चीजें आपको याद रखनी होती हैं, आपको लोकेशन मतलब करंट स्टेट आपको याद रखनी होती है, और जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन आप कर रहे होते हैं रन टाइम पे, कैलकुलेशन मतलब जो चाइल्ड की वैल्यूज, वो इवैल्यूएशन फंक्शन, बस ये दो चीजों पे काम कर रहा होता है आपका लोकल सर्च हिल क्लाइंबिंग का। ठीक है? ये देखें, बस एक आखिरी चीज, मतलब ये आखिरी चीज तो करना ही है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर देखें, अगर हम कॉस्ट पे काम कर रहे हो, हिल क्लाइंबिंग यूज कर रहे हो और कॉस्ट पे कर रहे हो, हिल क्लाइंबिंग यूज कर रहे हो और कॉस्ट पे कर रहे हो, तो हमारे लिए मैक्सिमम अच्छा नहीं होगा, क्या अच्छा होगा? मिनिमम। अगर हम हिल क्लाइंबिंग यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए मैक्सिमम अच्छा नहीं होगा, क्या अच्छा होगा?
अगर हम हिल क्लाइंबिंग यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए मैक्सिमम अच्छा नहीं होगा, क्या ही अच्छा होगा, मिनिमम अच्छा होगा। तो फिर आप लोकल मिनिमा पे काम करेंगे, ग्लोबल मिनिमा पे। मतलब देखें, जब भी हम ये हिल क्लाइंबिंग समझाते हैं, क्योंकि हिल की बात हो रही है तो हम हमेशा टॉप समझाते हैं, लेकिन फर्ज करें आप मिनिमम वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तब भी आपकी डायग्राम यही रहेगी। आप ये बिलीव करेंगे कि ऊपर जाने का मतलब है मिनिमम वैल्यू को चूज कर रहा हूं। क्लियर? ऊपर जाने का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू को चूज कर रहा हूं। क्लियर? ऊपर जाने का मतलब यह है कि मैं किसे चूज कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू को चूज कर रहा हूं। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ऊपर जाने का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये देखें कहां गया इसका एल्गोरिथम, देखें मतलब। और अगर कहां गए ये, आ कंप्लीट सर्च एल्गोरिथम ऑलवेज फाइंड अ गोल इफ वन एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ठीक है, ये देखें कहां गया, हां सिंपल, ये लूप, मतलब हिल क्लाइंबिंग की बात करें सिंपल लूप है। इट कंटिन्यूसली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। अगर हम बात करें मैक्सिमम पे तो हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू की डायरेक्शन में मूव करता रहता है, दैट इज अपहिल, अपहिल चलता रहता है। नो सर्च ट्री इज मेंटेन, कोई सर्च ट्री मेंटेन नहीं होती। द नोड ओनली नीड रिकॉर्ड ऑफ द करंट स्टेट एंड द इवैल्यूएशन फंक्शन। सही है, बस इन दो चीजों को चाहिए होता है। देखें, व्हेन देयर इज मोर देन वन बेस्ट सक्सेसर चूज फ्रॉम, वही वाली बात कि अगर एक से ज्यादा सक्सेसर जो है बेस्ट है तो फिर आप रैंडमली उसमें से कोई भी एक चूज कर लें। ये देखें, ये एल्गोरिथम समझें इसका, छोटा सा एल्गोरिथम देख लेंगे तो शायद पॉइंट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम रिटर्न करेगा स्टेट, प्रॉब्लम करंट, दो लोकल वेरिएबल है आपके पास, करंट और नेबर, बस दो वेरिएबल है इसके अंदर, करंट और वेरिएबल। करंट स्टेट अपडेट होगी इनिशियल स्टेट के हिसाब से, जो भी आप इनिशियल स्टेट देंगे प्रॉब्लम की उसमें करंट स्टेट अपडेट हो जाएगी। अब देखें लूप में बार बार क्या चलता रहेगा, नेबर हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर ऑफ करंट, करंट स्टेट के जितने भी सक्सेसर हैं आपने जनरेट किए उसमें से हाईएस्ट वैल्यू उठा ली, जो भी मैंने आपको करके दिखाया था, उस हाईएस्ट वैल्यू को आप नेबर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू जाती है तो नेबर को अपडेट कर देंगे करंट में, नेबर को अपडेट कर देंगे करंट में, अदरवाइज कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नेबर करंट को ही बाहर निकाल के कह देंगे ये मेरा लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। सही है, ये छोटा सा एल्गोरिथम है इसका। क्लियर? ये देखें, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि भाई एस पे आए तो 9 और 11 में से 9 छोटा था, 9 को चूज कर लिया, मिनिमा पे काम कर रहे हैं, फिर 9 और इसमें से 7.3, फिर इसमें से 5, फिर इसमें से, इस तरीके से एक एग्जांपल ये है। ठीक है, दो एग्जांपल हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल से वो समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, पहले आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि गिरिडी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हिल क्लाइंबिंग इज ऑल्सो कॉल्ड गिरिडी लोकल सर्च। ठीक है, गिरिडी लोकल सर्च, क्या आपको नहीं लगता ये गिरिडी की तरह काम कर रहा है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये गिरिडी की तरह काम कर रहा है? तो फिर गिरिडी पढ़ाने के बाद ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक ही एल्गोरिथम नाम दे देता मैं, कोई फर्क होगा ना इन दोनों में? है कोई फर्क वर्क नजर आ रहा है कुछ, कोई भी डिफरेंस नजर आ रहा हो इन दोनों में? अगर ये गिरिडी की तरह काम कर रहा है तो इसको गिरिडी ही रहने देते हैं, इसको अलग तरीके से क्यों पढ़ाया? उसमें भी मिनिमम पे कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। सर गिरिडी में मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आप करेक्ट टाइल यूज कर रहे हो गिरिडी में तो आप करेक्ट टाइल में मैक्सिमम वैल्यू चूज कर सकते हैं। नहीं यार, ये सवाल का जवाब नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम का ताल्लुक तो हेरिस्टिक की चॉइस से होता है। अगर आप हेरिस्टिक यूज कर रहे हैं करेक्ट टाइल्स तो आपके लिए 0 थोड़ी अच्छा होगा, आपके लिए 8 अच्छा होगा। आप क्या चाहते हैं कि तमाम टाइल्स अपनी जगह पे हों, ऐसे ही है ना? आवाज आ रही है सबको? दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं ये बात कि देखें मैक्सिमम और मिनिमम का ताल्लुक इस चीज से नहीं होता, वो तो ह्यूरिस्टिक की चॉइस से होता है। अगर आप ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हो करेक्ट टाइल्स,
अगर आप ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हो करेक्ट टाइल्स, तो आप मैक्सिमम पे काम करेंगे। आपके लिए फिर क्या 8 टाइल्स सही होगा? 8 टाइल्स करेक्ट होने चाहिए, 0 टाइल्स करेक्ट होने चाहिए अगर आप करेक्ट टाइल्स पे काम कर रहे हैं तो? 0। वाह भाई वाह बुशरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 8 करेक्ट होने चाहिए। सवाल सुन के ना 2-3 सेकंड इंतजार कर लेना चाहिए, ठीक है? तो 8 टाइल्स, तो फिर आप मैक्सिमम पे काम नहीं कर रहे। इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, उस चीज का ताल्लुक ह्यूरिस्टिक की चॉइस है। हम पढ़ रहे हिल क्लाइंबिंग, हमने ये कहा कि हिल क्लाइंबिंग में और गिरिडीह में क्या फर्क है, कि उसको अलग पढ़ाया जा रहा है और इसको अलग पढ़ाया। डेफिनेटली फर्क है, जी एनी डिफरेंस? कोई भी फर्क समझ में आ रहा? कोई भी डिफरेंस? फर्ज करें आपसे पेपर में सवाल पूछ लिया, चलो एक फर्क ये कि इसमें सर अगर हमारा आंसर आ रहा हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं, गिरिडीह में नहीं करते। इसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेन का एक फर्क ये भी, वो सामने जवाब दिया है रिकॉर्ड मेंटेन का। देखें गिरिडीह जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रखता है क्योंकि उसको पाथ बताना होता है, ऐसा ही है? गिरिडीह को पाथ बताना होता है, इसको पाथ नहीं बताना होता तो ये रिकॉर्ड अपना मेंटेन नहीं रख रहा होता। मतलब जिस रास्ते से आया कम से कम गिरिडीह वो तो याद रखता है ना, ये वो भी याद नहीं रखता। और बताइए एक आध कोई फर्क हो, एक आध कोई फर्क हो तो बताइए। कोई एक आध फर्क और? एक फर्क और है बस, मतलब एक फर्क तो है तो और भी, लेकिन एक आध और बात हो सकती है उस पर। आसान फर्क यह है कि बेटा गिरिडीह में जो ना ह्यूरिस्टिक पे काम करते हैं, इसमें जरूरी नहीं है ह्यूरिस्टिक पे करें, इसमें आप कॉस्ट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें इसमें आप कॉस्ट पे भी काम कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है ये ह्यूरिस्टिक नहीं है, इसमें आप कॉस्ट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो 2-3 फर्क है। एक तो फर्क यही है कि टाइम कह रहा हूँ, अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखता, ये मेंटेन नहीं रखता, उसको रखना चाहिए, ठीक है? फिर वो ह्यूरिस्टिक और गिरिडीह का कॉस्ट की बात हो रही है कि वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक पे काम करता है, ये कॉस्ट पे भी कर सकता है, ठीक है? और फिर यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिनिमम की बात है कि अगर लोकल मैक्सिमा है और उसके बाद आंसर नहीं है तो उसको आंसर डिक्लेयर कर सकता है। ये देखें एक एग्जांपल आपके सामने लोकल मैक्सिमा की, ये है लोकल मिनिमा की। टाइम मैटर नहीं करता, जाहिर सी बात है टाइम मैटर हर जगह करता है, क्यों नहीं करता? इसमें देखें इस एग्जांपल को देखें, मुझे बताइए इस वक्त कितनी क्वींस अटैक कर रही है, इस वक्त कितनी क्वींस अटैक कर रही है आपके ख्याल में? उसामा 6 कौन सी कर रही है? सुकून से देखना पड़ता है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा नीचे लिखा हुआ है एच की वैल्यू 2, फिर भी लोग 4 आंसर कर रहे हैं, 6 आंसर कर रहे हैं, पता है? ये चेस नहीं है। अब अगर किसी ने इसको चेस बोला तो अच्छा नहीं होगा, ये 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम है। आज आप सब लोगों का टारगेट यह है, रीडिंग असाइनमेंट है कि आपने 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। मैं इतनी दफा बता चुका हूँ कि ये 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्वीन अटैक कर रही होती है, ये चेस नहीं है। मुझे भी नहीं आता चेस, तो काइंडली जो मैं कह दिया करूं वो एक दफा सुन लिया करें, पेपर में इन्हीं प्रॉब्लम्स में से कुछ आएगा। कहीं पर लिखा हुआ ये चेस है, इसमें ऐसे क्वीन प्लेस करनी है कि अगर आपने इस लाइन में क्वीन रख दी है
ये 3-4 दफा बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरह से आपको 8-tile puzzle समझ में आ चुका है, ऐसे ही ये प्रॉब्लम भी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपने ये यहाँ रख दी है तो इस लाइन में, इस रॉ में, इस कॉलम में, सॉरी, इस रॉ में और इसके डायगोनली कोई क्वीन नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ये यहाँ रख दी है तो इसके वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली ऐसे भी और ऐसे भी कोई क्वीन नहीं आनी चाहिए। तो देखें, ये जो क्वीन है, इस क्वीन को ये क्वीन अटैक कर रही है और इस क्वीन को यह क्वीन अटैक कर रही है, मतलब बाय हो गया। ये इसको कर रही है, इसको कर रही है, बाकी कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं कर रही। तो इसमें जो क्वीन अटैक हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? इसमें क्वीन कितने अटैक हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर हम इसको हिल क्लाइंबिंग से सॉल्व करें, सुकून से सुनिएगा, अगर हम इसको हिल क्लाइंबिंग से सॉल्व करें, हिल क्लाइंबिंग में हम एक कंडीशन लगा देते हैं प्रॉब्लम समझने के लिए कि आप इन क्वींस को या तो लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं, राइट पे। हर क्वीन के पास 2 ऑप्शन है, मतलब या तो इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, या इधर या इधर। ये बात समझ में आ रही है? अप डाउन नहीं कर सकते, सिर्फ लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अप डाउन नहीं कर सकते, सिर्फ लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस स्टेट के इस वक्त कितने चाइल्ड बनेंगे, इस स्टेट से जो ऑप्शन निकलेंगे चाइल्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे? और बताइए, इस स्टेट की, जिस वक्त स्टेट मौजूद है आपकी स्क्रीन पे, इसके कितने चाइल्ड बन सकते हैं? और लोग बताइए, साध ने बताया 14, 16 बता रही है बुशरा, और बताइए 16, और बताइए 64 इस्माइल, स्माइल 64 कैसे? और लोग बताइए 8 × 8, और बताइए बाकी सब लोग। जी असरा, आप बताइए। जितने ब्लॉक्स हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी है, शायद आप लोग सुनते ही नहीं है। मैंने आप लोगों से ये कहा है कि हर क्वीन या तो लेफ्ट पे मूव सकती है, राइट पे। कितनी क्वीन है टोटल? 8। ये क्वींस कितनी है टोटल? 8। अब इधर या इधर, इससे 2 बन गए तो 8×2 का क्या होता है? 16। लेकिन 16 में ये एक, ये राइट में मूव नहीं कर सकती, ये लेफ्ट में नहीं कर सकती, तो 16 − 2 कितना हो गया? 14। जो जो साद ने आंसर दिया था वो 14 सही दिया था। इस स्टेट के इस वक्त 14 चाइल्ड हैं। जो आप लोग 16 आंसर कर रहे हैं वो ब्रांचिंग फैक्टर हो गया इस केस में, क्योंकि मैक्सिमम चाइल्ड कितने बन सकते हैं? 16। इस वक्त कितने बन रहे हैं? 14। इज इट क्लियर? सही। अब ये इस वक्त एक लोकल मिनिमा है, ये इस वक्त एक लोकल मिनिमा है। कोई जस्टिफाई करेगा मेरी बात को कि ये इस वक्त एक लोकल मिनिमा क्यों है? कोई भी स्टूडेंट मेरी बात को जस्टिफाई करे कि सर ये इस वक्त एक लोकल मिनिमा है, क्यों है भाई ये लोकल मिनिमा? इस वक्त ये एक लोकल मिनिमा है। मेरा, मैंने बहुत आसान सी बात बोली है कि इस वक्त ये लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा पहले थोड़ा सा याद कर लें क्या होता है, फिर मुझे बताइए कि भाई आपकी समझ में क्या आ रहा है। इस वक्त ये एक लोकल मिनिमा है, इसका मतलब क्या हुआ? शाबाश, आंसर कीजिए। इसके जितने भी चाइल्ड बनेंगे उनका जब मैं हेरिस्टिक निकालूंगा तो उनका नंबर 2 से ज्यादा ही आएगा। नहीं यार, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ और आप लोग समझ क्या रहे हैं पता है? और कल ही मैंने ये नॉर्थ वालों को समझाया सब कुछ, बिल्कुल उनकी समझ में सब कुछ स्ट्रेट आ रहा था, और आज मेन वाले बैठे हैं, पता नहीं उनका दिमाग को क्या हो गया। आप लोग ना रिवाइज नहीं कर रहे पता है, आप लोग पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। जो भी क्लास का लेक्चर होता है बस उस वक्त जितना समझ में आ गया आ गया। आप लोग घर में बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। कोई एक स्टूडेंट मुझे कहता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ना बेटा आप पेपर में अगर फर्स्ट करें, 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम आ गई,
आपको 8 क्विन पजल प्रॉब्लम का ही नहीं पता, हालांकि मैं बता चुका हूँ और आपको नहीं पता, आप उसमें टाइम लगा देंगे। जिस तरह से टिक टैक टो आप सबको आता है, इस तरीके से इस कोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि 8 टाइल पजल एन क्विन पजल प्रॉब्लम ये आपको आनी चाहिए। उसका रीजन ये नहीं है कि ये मुझे गेम खिलवाना है, ये कोर्स का पार्ट है, एक बुक के अंदर मौजूद है, ये बुक के अंदर मौजूद है। मैं आपको चेस नहीं सिखा रहा यहाँ पर, ड्राफ्ट नहीं सिखा रहा, लूडो नहीं सिखा रहा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो बुक का पार्ट है। इसका मतलब है ये वो चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट को लाजमी आनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। अब मेरा सवाल दोबारा से सुन लीजिए कि अब आपने कहा ना 14 चाइल्ड बन सकते हैं, तो फर्ज करें मैं इस चाइल्ड को इधर मूव कर दूं, फर्ज करें मैं इधर मूव कर दूं, ये देखिएगा हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास 14 ऑप्शन है। अभी आप लोग बता रहे हैं फर्ज करें मैं इस चाइल्ड को यहाँ मूव कर दूं, यहाँ नहीं है ये, ठीक है। तो अब जो मैं ह्यूरिस्टिक निकालूंगा बेटा वो 2 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? देखें, अब ये क्वीन इसको भी अटैक कर रही है, इसको भी अटैक कर रही है, ये क्वीन इसको भी अटैक कर रही है, इसको भी कर रही है, और ये क्वीन इसको भी कर रही है, इसको भी। तो इस वक्त बोर्ड पे क्या हो गया, 4 अटैक हो गए। कितने अटैक हो गए? 4। इज इट क्लियर? इस वक्त बोर्ड पे कितने अटैक हो गए? 4 अटैक हो गए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इस वक्त बोर्ड पे कितने अटैक हो गए? 4 अटैक हो गए। फर्स्ट करें मैं इसको यहां मूव नहीं करता, इसको यहां मूव कर देता हूँ। बेटा 3 नहीं होंगे, मल्टीपल ऑफ इवन होंगे, क्योंकि अगर ये इसको अटैक करती है तो इसको भी कर रही होगी, तो डबल हो जाता है हर चीज। फर्स्ट करें इसको मैं यहां मूव नहीं करता, यहां कर देता हूं। तो देखें, एक ये अटैक कर रहा है, ये इसको अटैक कर रहा है, इसको अटैक कर रहा है 2, ये इसको अटैक कर रहा है, ये इसको अटैक कर रहा है 4। तो कहीं पर भी किसी भी क्वीन को मूव कर दें आप इस वक्त बोर्ड में, कहीं पर भी इधर कर दें या इधर कर दें, जो नंबर आएगा वो 2 से ज्यादा आएगा, तो ये लोकल मिनिमा हो गया। इसका मतलब है इसके बाद जो भी स्टेप परफॉर्म करूंगा आंसर और मजीद खराब हो जाएगा। इज इट क्लियर? आंसर और मजीद खराब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये लोकल मिनिमा की एग्जाम्पल है, सही है, ये लोकल मिनिमा की एग्जाम्पल है कि भाई हम लोकल मिनिमम में फंस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हो तो हमारा आंसर ही आ रहा हो। क्लियर हो गई बात? तो अपने दिमाग में ये बात याद रख लें कि सर ये वेरीफाई कंफर्म नहीं है कि हमेशा हमें आंसर ही मिलेगा, हो सकता है हमें आंसर ना मिले। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है इसमें तो बताइए। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि सर अगर ये इसमें इतने मसले हैं कि फ्लैट शोल्डर के मसले हैं, ग्लोबल मैक्स, अच्छा ये इसको ना ये भी कहते हैं फ्लैट और शोल्डर वाली प्रॉब्लम को प्लेटोस, ठीक है, प्लेटोस, शोल्डर भी कह सकते हैं, फ्लैट भी कह सकते हैं, और आप प्लेटोस भी कह सकते हैं, इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड नेम है तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल ये कि सर जब इसमें इतने मसले हैं कि लोकल मिनिमा में फंस रहा है या शोल्डर में फंस सकता है, तो सर फिर आंसर तो नहीं मिलेगा, और यूजर ने तो हमें आंसर लाने को बोला है, मतलब क्लाइंट ये थोड़ी देखेगा, वो बोलेगा भाई कि आपने आंसर क्यों नहीं ला के दिया, आप ये बोलेंगे भाई मैं वहां फंस गया था, नहीं, उसको तो आंसर चाहिए। तो आंसर लाने के लिए फिर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ एनहेंसमेंट है जो कि हिल क्लाइंबिंग पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जो कि बहुत आसान है। हिल क्लाइंबिंग ये था जो आपने पढ़ लिया, अब इसमें जो चेंजेस करोगे आप अगर हिल क्लाइंबिंग में, तो वो हिल क्लाइंबिंग ही रहेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अभी आपने जो हिल क्लाइंबिंग पढ़ा है वो हिल क्लाइंबिंग था, सिंपल क्या कर रहा है, करंट स्टेट के नेबर्स को जनरेट कर रहा है, उनमें से बेस्ट को चूज करके आगे बढ़ रहा है। जब भी मैं बेस्ट का वर्ड यूज करता हूँ तो बेस्ट का मतलब हमेशा मैक्सिमम नहीं होता। क्लियर? क्लियर हो गई बात? जब भी मैं बेस्ट का वर्ड यूज करता हूँ तो इसका मतलब हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बेस्ट कहता हूँ तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, बेस्ट उसके लिए हो सकता है मिनिमम। तो बस सवाल यही है कि सर अगर इतने मसले हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो बस कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने आंसर को बड़े इजीली तो नहीं, अपने आंसर को लाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपके आंसर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और यह बहुत आसान आसान सी टेक्निक्स हैं, ये एल्गोरिथम्स नहीं है, बेसिकली मेथड्स हैं कि भाई आप ये कह लें कि सर ये काम कर लें तो आपके आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
जी भाई। अच्छा मिड टर्म में यहाँ तक ही इंक्लूड होगा ये हिल क्लाइंबिंग, आज का टॉपिक पूरा इंक्लूड होगा। तो मैं बता दूंगा ब्रेक के बाद कि आपने अभी, मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि 3-4 मिनट है तो वो टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, बीच में रह जाएगा। तो मिड टर्म में ऐसा है कि यहीं तक आएगा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर में जेनेटिकल गौरतम हमने नहीं किया है, वहां तक नहीं आया, जहां तक मैंने कराया वहीं तक आएगा बस। ठीक है, तो बाकी मैं डिस्कशन जो भी आपकी होगी मिड टर्म की वो भी थोड़ी देर में कर लेता हूँ। जो आपको सवाल पूछना होगा वो पूछ लीजिएगा, जो मुझे आपको कुछ बताना होगा मैं आपको बता दूंगा। हमारा पेपर गालबन अगले फ्राइडे को है, ठीक है, दोपहर में। ऐसे ही है ना? इस पे कुछ सवाल है तो बता दीजिए। हिल क्लाइंबिंग के अंदर कोई भी आपके दिमाग में सवाल हो वो मुझे बता दीजिए, तो मैं फिर उसका जवाब दे देता हूँ। कोई भी सवाल हो पेपर के लिए, कोई नई स्कीम आई है क्या? कल रात को शेयर हुई भी तो थी सोशल मीडिया पे, कोई और स्कीम भी है क्या? जी अभी तक तो यही है। एमसीक्यूज देखे क्या करेंगे, ऐसे नंबर ले लो भाई, जितने नंबर के एमसीक्यूज दे रहा हूँ पेपर में मैं वो नंबर तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा उसामा। ठीक है उसामा, तुम्हारा तो नंबर भी गोल्डन है, 8888। अपनी आईडी बेच रहे हो मुझे 500 रुपये में? एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो दूसरा ओपन नहीं होगा, हाँ ये तो पता है सबको। दुनिया में ऐसे ही होता है, जहाँ भी ऑनलाइन होता है वो ऐसे ही होता है। आईडी बिकती है, बिल्कुल बिकती है सर। हर कोई अलग अलग बातें बता रहा है, समझ नहीं आ रहा पेपर कैसे होगा। मतलब आपने वो डॉक्यूमेंट खुद नहीं पढ़ा, उसकी इंग्लिश पढ़ लें थोड़ा सा सारा, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। मत तुम चले जाओ बेटा, तुम फाइनल वाले दिन आना, तुम्हारी अटेंडेंस उसी दिन लगाऊंगा मैं। जी लोकल सर्च का एक दो अलगोरिथम है, एक हिल क्लाइंबिंग है, एक बीम सर्च है। अगर हिल क्लाइंबिंग समझ में आ गया है तो बीम सर्च आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैम मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं आपकी कन्फ्यूजन ब्रेक के बाद दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मीटिंग एंड हो रही है तो फिर हम मिलेंगे, 10:05 हो रहे हैं ना, 25 मिनट का ब्रेक है, 10:30 में मिलेंगे। ठीक है, सही है, यू मे लीव नाउ। अरे 25 मिनट का कैसे कर लेते हो तुम लोग ही लोग सब चीजें? लगा दूंगा बेटा,